एवरीवन, मेरा नाम निधि मौर्य है और ये मेरा पहला वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से क्योंकि जिस चीज़ के बारे में मैं बहुत पहले से सोच रही थी, फाइनली वो मैंने की। फाइनली, यू नो, इतना टाइम तो आपको भी नहीं लगेगा। सुबह के 10 बज चुके हैं, तो क्योंकि हम बहुत देर से बातें कर रहे हैं और सुबह सुबह बातें कम, चाय ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आइए फिर चाय पीते हैं, फिर बातें करेंगे। चाय बिल्कुल रेडी है, गर्मा गर्म। तब तक मैं अपनी चाय एंजॉय कर लेती हूँ। अगर आपको भी पसंद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम प्लान कर रहे हैं कि आज हम जाएंगे हज़रतगंज। और ये रहा मेरा बिग ब्रदर। रेडी हो गई? नहीं, अभी तो मेरा पिन नहीं मिल रहा बाल का। अरे, पिन नहीं मिल रहा है, लेकिन आप एकदम तैयार हो गई हैं बढ़िया से। इधर तो देखिए, ओहो, कमेंट्स आने वाले हैं खूब अच्छे अच्छे रास्ते में हैं। हम लोग चल कहाँ रहे हैं बाय द वे? हम लोग जा रहे हैं लखनऊ की सबसे फेमस शर्मा चाय के यहाँ। शर्मा चाय के यहाँ चल रहे हैं आज हम लोग। आप लोग भी चलिए मेरे साथ शर्मा की चाय पे। दोस्तों, ये जो आप ग्रीनरी देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं बल्कि एक पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। इट इज एशियाज फर्स्ट लार्जेस्ट गार्डन। जी हाँ, आप पढ़िएगा जरूर, ये है जनेश्वर मिश्र पार्क। मैं कभी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी इस पार्क के बारे में। दोस्तों चिंता ना करें, बच्चे का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। क्या भाई, क्या हो गया? सबसे ये बहुत अच्छा लॉकडाउन ही तो चल रहा है। हाँ, you heard it right. खुल के मेरा लड़का एंजॉय ही नहीं कर पाया। लड़का ने ऐलान किया है और ये ऐलान जैसे ही करेगा करेगा, अब लड़का हम लोग का एंजॉय करेगा क्योंकि ये तो घर में ही बंद रहेंगे। जब से हुआ तब से लॉकडाउन तो दोस्तों ये रही हमारी शर्मा जी की चाय जो की है बंद। जी हाँ, आपने सही सुना, शर्मा जी की चाय है बंद और हमारा हो गया है क्या? पोपट। पोपट। अब हम लोग चलेंगे हज़रतगंज। अब भैया कराएगा हम लोग को शॉपिंग। भैया शॉपिंग कराएगा। जी, हमारा आना वेस्ट नहीं होना चाहिए। इस वक्त मैं खड़ी हूँ हज़रतगंज शुक्ला चाट। शर्मा जी ना सही, शुक्ला जी ही सही। लाइए भैया, रख दीजिए, थैंक यू। क्या हुआ भाभी, आप उतर गई? मेरे पैर दर्द होने लगे। डुगू, ये देखो डुगू, डुगू डुगू। चाट कैसी लगी? अभी चाट सही थी ना? मजा आ गया। और चाय के बारे में कुछ नहीं कहेंगी? मूड खराब हो गया, सो के उठे थे, सोचे थे जाके चाय पीऊंगी, ना चाय मिला। चलिए मैं घर पे आपको पिलाती हूँ गर्मा गर्म, एक गिलास भर के चाय। निधि को भी पिला दो एक। नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, ठीक है आप लोग खाइए। तो हम लोग घर चल रहे हैं वापस। हमने खा ली है शुक्ला की चाट। बस मास्क लगा रही। हजरतगंज से हम लोग निकल गए हैं। तो जी आ गए हम अपने पार्किंग लॉट में। तो भाई मैं आ गई हूँ घर, थोड़ा
थोड़ा सा आराम करते हैं। मैंने कपड़े भी नहीं बदले और ये देखिए आप मेरी भाभी का हाल। ये तो भाई लग गई भाभी। सबसे पहले चाय। चाय? ओ हाँ, इनको तो आज चाय मिली ही नहीं भाई, जिसलिए हम लोग गए थे। अच्छी अदरक वाली चाय पी के मूड होगा फ्रेश। ओके ठीक है, तो बनाइए भाई। चाय का ब्रेक लेते हैं, पहले चाय पियेंगे फिर डिनर। तो जी ये रही हमारी चाय, अब थोड़ा सा चाय पिया जाए। और रस्क, ये रहा डुग्गू, पैम्पर बेबी, चलो रस्क खा लो, हम लोग चाय पीते हैं। बिल्कुल उठाइए बेटा, बुआ का ईयरफोन दे दो। ओ हो भाभी शायराना हो रही हैं। चाय है दुनिया है, चाय नहीं तो दुनिया नहीं। मैं भी पी लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ बाद में। डिनर कर लिया है मैंने और अब मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं अपना स्किन केयर रूटीन दिखाऊं। आप देख सकते हैं मेरी स्किन काफ़ी ऑयली है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो मैं ज़्यादातर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि जो कि रेडली अवेलेबल हो आपके किचन में हो। एंड ऐसा नहीं है कि मैं फेस वॉश यूज़ नहीं करती, ऑफकोर्स यूज़ करती हूँ, बट कभी कभी, ज़्यादातर ट्रैवलिंग में, ऐसे घर में जो है वो लगा लिया और ट्रस्ट मी बहुत अच्छे से क्लीन करता है। मैंने आटे के चोकर में टमाटर के रस को मिलाकर लगाया है, उसी से मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं मेरी स्किन बिल्कुल बेयर स्किन है, बहुत सारे स्पॉट्स हैं मेरे फेस पे, काफ़ी हद तक स्पॉट्स कम हो चुके हैं फ़िलहाल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि ये मेरा सिंपल सा स्किन केयर रूटीन था नाइट का, और अब इसके बाद फिर आपके पास रोज़ वाटर है तो आप एज अ टोनर उसे स्प्रिट्स कर दें ऑल ओवर योर फेस। एंड आफ्टर दैट आप, ये मेरे पास बायोटिक की मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो लगा लें लिटिल बिट, रन अच्छे से मसाज। मॉइस्चराइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।